आज का मेरा जो टॉपिक है वो पार्टनू हाउसिंग सोसाइटी के रिलेटेड है। यहाँ पे 7 से 8 ब्लॉक्स हैं, जिसमें जैस्मिन ब्लॉक है, जेड ब्लॉक है, टोपाज ब्लॉक है, ट्यूलिप ब्लॉक है। 5 मल्ला ब्लॉक की कीमत यहाँ पे आपकी 32-33 लाख से स्टार्ट होती है, डायमंड और प्लाटिनियम ब्लॉक से। टाइटेनियम ग्रुप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज सुफियान बट फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। व्यूअर्स, टाइटेनियम ग्रुप की हमेशा से कोशिश होती है कि आपको अथेंटिक और अच्छी सोसाइटीज़ और अच्छी प्रॉपर्टी के हवाले से विद द पैसेज ऑफ टाइम गाइड किया जाए और उनके मुतल्लिक अपडेट्स प्रोवाइड की जाएँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो पार्टनू हाउसिंग सोसाइटी के रिलेटेड है, जो कि लाहौर के अंदर एग्जिस्ट करती है नियर ठोकर नियाज बेग। और बहुत ज़्यादा अक्सर हमसे पूछा जाता है कि घर बनाने के लिए कौन सी जगह सूटेबल है या इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सी जगह सूटेबल है। तो हम उसमें डिफरेंट आपके अकॉर्डिंग बजट और आपके मकसद के हम आपको डिफरेंट ऑप्शंस शेयर करते रहते हैं। आज जो पार्कव्यू सिटी के हवाले से मैं बात करूँगा तो इसमें हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे और इसमें इसकी लोकेशन के बारे में आपको आज मैं बताऊँगा, इसकी जो इनका जो बैकग्राउंड था उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके अलावा जो हिस्ट्री है और जो करंट इस टाइम इनकी सिचुएशन चल रही है, किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, कौन से ब्लॉक के अंदर इनकी न्यू बुकिंग्स हैं और किस ब्लॉक के अंदर रहाइश के लिए जगह मौजूद है और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हैं इसमें और किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टर गेन कर सकते हैं और किस तरह से यहाँ पे रेजिडेंशियल जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है। प्रॉपर्टी के मामले में जब भी कोई डिस्कशन होती है तो उसमें 3 मेजर चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें फर्स्ट भी लोकेशन है, सेकंड भी लोकेशन है और थर्ड भी लोकेशन कंसीडर किया जाता है। लोकेशन के एतबार से नो डाउट पार्कव्यू सिटी बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है और ये एक सिक्योर गेटेड कम्युनिटी बनाई गई है। नियर टू ठोकर नियाज बेग, नियर टू सिटी है क्योंकि इसके बिल्कुल 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिर्फ ठोकर नियाज बेग है और सिटी में अगर आप इन साइड जाना चाहें तो जोहर टाउन है, बाबरा टाउन है, वलेंशिया, इवन बहरिया टाउन और DHA बिल्कुल EME के बिल्कुल ऑपोजिट, फेज जो 12 है इनका DHA का, इसकी लोकेशन बिल्कुल उसके ऑपोजिट आती है। और अगर आपने इस्लामाबाद वगैरह जाना हो तो ये मेन मुल्तान रोड पे ही एग्जिस्ट करती है। मुल्तान रोड के बारे में अगर बात की जाए तो पहले तो ज़्यादा कारपेटेड नहीं था, लेकिन अभी अगर आप करंट देखें तो अभी उस पर वर्किंग चल रही है और मोर देन 80-90% कारपेटेड हो चुका है मुल्तान रोड। पहले तो लोग यहाँ से जब गुजरते थे तो उनको मेन इशू होता था रोड का, लेकिन मुल्तान रोड की अभी कारपेटेड होने की वजह से लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पार्किंग सिटी के अंदर। और अगर इनके अच्छा बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए, तो ये आज से कोई 7-8 साल पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पर मुल्तान रोड पे, लेकिन इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो था अलामा इकबाल एयरपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट, जो अभी फेज़ 8 वहाँ पे जो है इख्तियार हो चुका है और वहाँ पे अभी भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक्स पार्क व्यू सिटी के नाम से बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके अलावा अगर अभी करंट सिचुएशन में जाते हैं तो यहाँ पे 7 से 8 ब्लॉक्स हैं, जिसमें जैस्मिन ब्लॉक है, जेड ब्लॉक है, टोपाज ब्लॉक है, ट्यूलिप ब्लॉक है, ये वेल मेच्योर इनके ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आप रेजिडेंस कर सकते हैं और यहाँ पे ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया अवेलेबल हैं। कमर्शियल यहाँ पे आलमोस्ट तमाम किस्म के एक्टिवेट हैं, यहाँ पे आपको कमर्शियल मॉल्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको फार्मेसीज और इवन ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया यहाँ पे मौजूद हैं। इवन यहाँ पे स्कूल जो दी नेशनल स्कूल और कॉलेज भी उसकी भी ज़मीन मुख्तस की गई है। मसाजिद हैं, पार्क्स हैं, इसमें जो पार्किंग स्पेसिस छोड़ी गई हैं, वाइड रोड हैं और इसमें मिनी ज़ू भी बनाया गया है। अभी हम बात करते हैं रेजिडेंस के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें तो ये कहना जो है वो मज़ायका नहीं होगा कि यहाँ पे लो बजट के लोग भी यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं और फुली एक डेवलप्ड सोसाइटी के अंदर और नियरेस्ट टू सिटी उनको एक गेटेड कम्युनिटी में यहाँ पे अच्छा एक अपना घर बना सकते हैं। उसमें अभी घर बनाने के लिए मिनिमम अगर हम बात करें कि 5 मल्ला प्लॉट की कीमत यहाँ पे आपकी 32-33 लाख से स्टार्ट होती है, डायमंड और प्लाटिनियम ब्लॉक से। जहाँ पे पोजेशन वाले प्लॉट्स अवेलेबल हैं 32-33 की रेंज से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम वो 45 की रेंज तक जाते हैं। यहाँ पे आप इजीली अपना 5 मल्ला का घर कंस्ट्रक्शन करके रह सकते हैं और यहाँ पे 30-40% ऑलमोस्ट घर बन भी चुके हैं, मतलब आपकी सराउंडिंग बिल्कुल खाली नहीं है, बिल्कुल आबाद कम्युनिटी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इस तरह से है कि इन्वेस्टर जो हैं वो दो तीन चीज़ें जो है ना वो कंसीडर करते हैं, आया कि जो भी सोसाइटी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आया कि वो सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट चल रही है या रुकी हुई है। और इस सोसाइटी की अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से दिन रात चल रही है, हर ब्लॉक को जिसमें भी इन्होंने डील लॉन्च की उसके अंदर डेवलपमेंट चल रही है। सेकेंडली चीज़ जो इन्वेस्टर देखते हैं वो ये है कि आया कि सोसाइटी के अंदर जो इन्होंने सोल्ड प्लान थे वो डिलीवर किए हैं और कब किए हैं। यहाँ पे पार्क सिटी ने बहुत टाइमली जो इनके सोल्ड प्लान थे उन्होंने बहुत टाइमली डिलीवर किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी उनको स्पीडी जो है ना वो डेवलप किया। यही रीज़न है कि इसके बाद इन्होंने अलीम खान साहब ने जो है ना इस्लामाबाद के अंदर पार्क सिटी लॉन्च की जो कि 15,000 केनाल उसका अप्रूव्ड एरिया है और वहाँ पर भी ओवरसीज़ ब्लॉक इन्होंने जो लॉन्च किया था उसकी 45 लाख प्राइस रखी गई थी और उसमें भी अभी काफ़ी ज़्यादा उनको पजीराई मिली। और इसी तरह से लाहौर के अंदर भी फिर उसके बाद इन्होंने जो है ना ओवरसीज़ ब्लॉक को लॉन्च किया और यहाँ पे भी बहुत उसकी कामयाब जो है ना सेलिंग रही। और तीसरी चीज़ जो इन्वेस्टर देखते हैं वो ये डीलरशिप्स जो है कितनी सपोर्टिव है यहाँ पे, मतलब इनकी मैनेजमेंट कितनी सपोर्टिव है। तो नो डाउट कि हमारे साथ इनकी डीलरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और जो एंड यूज़र है उनके लिए भी ओबियसली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इस सेंस में है क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अभी यहाँ पे देखिए कि जो रेजिडेंस हैं उनके लिए जितने भी इन्होंने प्लान सोल्ड आउट किए उनको बहुत टाइमली डिलीवर किया और ये इनकी सबसे बड़ी एक मिसाल है उनके सपोर्टिव होने की। हम लोगों के साथ भी, डीलर्स के साथ भी, हम बहुत ज़्यादा डीलर्स इनके साथ अटैच हैं। रीज़न यही है कि ईमानदारी के साथ टाइमली डिलीवरी और डेवलपमेंट इनकी चल रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंपनीज़ और बहुत ज़्यादा डीलरशिप भी इनके साथ अटैच हैं। और अगर इनके हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हवाले से बात करें तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नो डाउट कि मैंने जिस तरह से आपको बताया कि यहाँ पे रावी रिवर है उसकी वजह से यहाँ का जो एयर इन्वायरमेंट है, पानी का जो यहाँ पे निज़ाम है बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आपकी हवा बहुत फ्रेश है और पानी आपको बहुत साफ़ और अच्छी क्वालिटी का पीने को मिलता है। और इसके अलावा इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में यहाँ पे एक फॉरेस्ट है और बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, उसका पार्क इनकी लैंड के साथ अटैच है और यहाँ पे पार्क व्यू सिटी जो अलीम साहब हैं वो यहाँ पे एक गोल्फ़ की फैसिलिटी भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बहुत जल्द, उसकी भी लैंड जो है ना वो उस पर भी बात चल रही है। और अभी जो रिंग रोड सौदर्न लूप 4 यहाँ से जो बहरिया से होके गुजरना है वो इसकी लैंड को पार्क व्यू सिटी की लैंड को कनेक्ट करते हुए इसमें भी मतलब इसके भी बड़े अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं और वो जो आपका मोटरवे M2 है उसको जाके कनेक्ट होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इनसाइड आपने लाहौर में जाना हो तब भी रिंग रोड के थ्रू आपकी बड़ी इजी एक्सेस है, आपने फिरोजपुर रोड जाना हो, जोहो टाउन वाली साइड पे जाना हो, इवन आपने मेन सेक्रेटरीट की तरफ जाना हो तो बड़ी इजी एक्सेस आप ले सकते हैं। और अगर आपने आउटसाइड भी कहीं सिटी से जाना है तो ठोकर न्याज बेग से आपके M2 मोटरवे से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया भी अवेलेबल हैं। एक्सेस की बात की जाए तो एक्सेस इसकी बहुत ज़बरदस्त है नो डाउट। और इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हवाले से जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा अभी चार्म है इसमें इन्वेस्टमेंट का ड्यू टू रीजनेबल प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पे अभी जो प्राइसेस चल रही हैं आपको मैंने जिस तरह से गाइड किया कि 32-33 लाख में आपको पोजेशन वाला प्लॉट जहाँ पे रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन प्लॉट आपको मिलता है वहाँ पर आप फ़ौरन घर लेके प्लॉट लेके वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। और डिफरेंट अकॉर्डिंग टू लोकेशन की डिफरेंट प्राइजेज़ हैं। अभी कुछ इन्होंने न्यू डील लॉन्च की थी ऑर्चर्ड ब्लॉक के अंदर 3.5 मरला की 30 लाख में, वो भी अभी इनकी कंटिन्यू है। और इसी तरह से ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर 45 रेट रखा गया था उसको अब इंक्रीज़ करके 50 लाख कर रहे हैं। इवन इस्लामाबाद के अंदर भी 3 टाइम्स इनकी प्राइजेज रिवाइज की गई हैं 5 मरला प्लॉट की। तो इस तनाजर में देखें तो इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा गेन, और जिन लोगों ने यहाँ पे परचेजिंग की उनको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी से ही मिलना स्टार्ट हो गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये रिंग रोड की यहाँ पे मिनट आएगी, यहाँ पे सहूलत आएगी और इसमें गोल्फ की सहूलत आएगी और आगे फर्दर ये एक्सपेंड हो रही है सोसाइटी, और इसके बिल्कुल साथ ही फेज़ 13 DHA का वो भी सुना जा रहा है कि उसकी भी लैंड है और वो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होगी इसके डायमंड और ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे विद अस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।